रिलीज से पहले हुई फिल्म लीक या सेंसर बोर्ड से पंगा पड़ा अनुराग को भारी। जी हाँ, सेंसर बोर्ड से विवाद के कारण चर्चा में आई फिल्म उड़ता पंजाब अपनी रिलीज की तारीख से दो दिन पहले ही बुधवार को ऑनलाइन लीक हो गई। उड़ता पंजाब को सेंसर बोर्ड तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाई। हाई कोर्ट के आदेश पर फिल्म को सिर्फ एक कट के साथ सर्टिफिकेट भी मिल गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म को झेलनी पड़ी ये बड़ी मुश्किल। शायद इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सेंसर बोर्ड को कहा था कि उड़ता पंजाब को अगले 48 घंटे में सर्टिफिकेट जारी हो जाना चाहिए। लेकिन 48 घंटे में सर्टिफिकेट जारी हुआ हो या नहीं, पर 48 घंटे में फिल्म जरूर लीक हो गई है। कहीं 48 घंटे में उड़ता पंजाब को सर्टिफिकेट जारी करने और 48 घंटे पहले फिल्म की कथित सेंसर कॉपी के लीक होने के बीच कहीं कोई संबंध तो नहीं है? इसके अलावा उड़ता पंजाब फिल्म की जो कॉपी लीक हुई है उसमें सेंसर लिखा साफ साफ नजर आ रहा है। इस तरह अब सेंसर के साथ अनुराग कश्यप की ये जंग नया रूप ले सकती है, क्योंकि उंगलियां सेंसर पर उठनी तय है। खबरों के मुताबिक फिल्म का ऑलमोस्ट 40 मिनट का फुटेज लीक हुआ है और टॉप में कोने पर फॉर सेंसर लिखा हुआ है, इसलिए उंगलियां सेंसर पर ही उठ रही हैं। बता दें कि फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अनुराग एकता कपूर ने साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करा दी है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब कोई फिल्म रिलीज होने से पहले ही इंटरनेट पर लीक हुई हो। कुछ समय पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मांझी द माउंटेन मैन भी रिलीज होने से पहले डाउनलोडिंग साइट्स पर पहुंच गई थी। अभिषेक चौबे के डायरेक्शन में बनी फिल्म में शाहिद कपूर, करीना कपूर, आलिया भट्ट और दिलजीत दोसांझ मेन रोल में है और फिल्म शुक्रवार को रिलीज हो रही है। लेकिन फिल्म के पहले ही इंटरनेट पर रिलीज होने से फिल्म के कलेक्शन पर जरूर असर पड़ेगा।